मोबाइल मेरा लॉन्ग टर्म कैटेगरी का पिक है आज, इसमें बढ़िया करेक्शन एनर्जी देखने मिल रहा है ऑलरेडी हमें टेक्निकली, और एक अच्छा यू नो लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक में हमें मूव देखने मिला। आई मीन यू नो जो लोस में देख रहा हूँ चार्ट्स पर, वो 650 से लेकर हमें 2300 रुपए तक एक अच्छा मूव रूट मोबाइल में देखने मिला, और वहां से स्टॉक अब ग्रेजुअली करेक्ट होते हुए लगभग यू नो लास्ट 3 क्वार्टर से उसने ऑलमोस्ट अपना 78% रिट्रेसमेंट एनर्जी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक में हमें देखने मिला है, और थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 950, ये मेरा एक स्टॉप लॉस लेवल होगा, 1250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टॉक है तो थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं 300 रुपए के आसपास का। पटनी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में ऊपर में हमें जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1850 से लेकर 2000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफी अच्छा है, और मेन रीजन ये है कि काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, और 78% रिट्रेसमेंट अज्यूमिंग के प्रीवियस मूव जो था क्लियरली एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड का था, तो अगर वो लेवल्स पर आ चुका है देन डेफिनेटली ये स्टॉक में जो बाय करना चाहिए, और एक अच्छा स्टॉक है जिसमें एक टॉप लाइन ग्रोथ भी देखने मिल रहा है, मार्जिन भी अच्छे, सो आई थिंक दीज लेवल्स एक रिस्क और पर्सपेक्टिव अच्छा लॉन्ग टर्म बताया।